जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12220 सिकंदराबाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस में वाया सोलापुर पुणे जंक्शन। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के 12:16 और हम आ चुके हैं सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। और आप बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई रात का टाइम है और भीड़ देखिए, एकदम स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। और स्टेशन के बाहर ही ये देखिए हमें इंडिकेटर बोर्ड मिल जाएगा और हमारी जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे और 12:30 का उसका डिपार्चर है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे स्टेशन के अंदर और पता करते हैं कि हमारी ट्रेन लगी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी हम फिल वक्त एंटर हो रहे हैं सिकंदराबाद जंक्शन के गेट नंबर 4 से और यहाँ से हम एंटर होंगे और जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म आएगा वो रहेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1। और ये देखिए कुछ इस तरह का एंट्रेंस आपको मिल जाएगा, खूबसूरत। भाई बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये सिकंदराबाद जंक्शन, हैदराबाद का पूरे तेलंगाना का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं, ये हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये दुरंतो एक्सप्रेस है, इसका एक्चुअल टाइमिंग है 11:05 का, सिकंदराबाद से इसका डिपार्चर होता है। लेकिन हमारी जो दुरंतो एक्सप्रेस है ना वो रीशेड्यूल हो चुकी है 1:35 से। तो अब हमारी जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो निकलेगी रात में 12:35 पे। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं सिकंदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे और यहां से देखिए हम पहुंचेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। और ये सिकंदराबाद जंक्शन का सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब टोटल जो प्लेटफॉर्म्स है वो सिकंदराबाद जंक्शन पे वो 10 प्लेटफॉर्म्स है। सो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सिकंदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो अभी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी है। सारे पैसेंजर्स जो हैं वो अपने सामान और लगेज और फैमिली के साथ जो है वो अभी भी वेटिंग में है। बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे जिनको पता ही नहीं था कि ट्रेन रीशेड्यूल हो गई, तो वो बहुत पहले भी आ चुके होंगे। तो ये दुरंतो एक्सप्रेस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। खैर चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म पर कब लगती है। वेट करते हैं भाई। तो फाइनली दोस्तों इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ और अपने रीशेड्यूल टाइम से भी 10 की देरी से हमारी जो सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस है वो सिकंदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे शंट हो रही है। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12:40। तो चलिए भागते हैं अपने कोच की तरफ जो कि बहुत पीछे चला गया है। भाई भागो। तो दोस्तों ये देखिए ये रहा आज का हमारा कोच, B9 AC 3 Tier में हम ट्रैवल करने वाले हैं और एकदम लास्ट कोच है। देखिए गार्ड वैन और सीधा फिर हमारा कोच। इसके अलावा आप कोच लेआउट देख लेंगे तो AC 3 Tier, B9 से B1, उसके बाद पेंट्री कार है, फिर A1 से A4 है, उसके बाद H1 और उसके बाद एक DL1 का भी कोच है, मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी फेयर की पूरी डिटेल्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए ये मैं DL1 की बात कर रहा था, एक सेकंड सीटिंग का कोच इस ट्रेन में लगता है। लेकिन ये कोच जो है ना ये सिर्फ आपको सिकंदराबाद से LTT के लिए मिलेगा, LTT से सिकंदराबाद के लिए नहीं मिलेगा। और इन सब के अलावा ये देखिए दोस्तों ये रहा आज का हमारा लोकोमोटिव, लालगुड़ा शेड का WAP 7 लोकोमोटिव जो कि हमें लीड करेगा सिकंदराबाद से मुंबई तक। और अभी ये हमारी ट्रेन जो है वो अभी आके लगी है तो इसमें जस्ट अभी अटैच हो रहा है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अपने निर्धारित समय से 2:20 की देरी से यानी रात के ऑलमोस्ट 1:20 पे हमारा डिपार्चर सिकंदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से हो चुका है और अराउंड 770 किलोमीटर और 11 hours 55 की जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। Train number 1.
सो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 4:15 और हम पहुंचने वाले हैं वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये देखिए, अगर आप वाड़ी जंक्शन के बारे में जानते हैं तो सिकंदराबाद से वाड़ी जब आप जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री का ये कर्व आता है, तो हम अभी जस्ट उसी कर्व को क्रॉस कर रहे हैं और पहुँचेंगे सीधा हम वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो फाइनली दोस्तों 185 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटे की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस दुरंतो एक्सप्रेस के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी वाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये वाड़ी जंक्शन आता है कर्नाटका स्टेट में, और इसके अलावा जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ से 2 लाइन जाती है, एक लाइन यहाँ से कट के सिकंदराबाद के लिए और एक लाइन यहाँ से सीधा जाती है गुंतकल के लिए, जो आगे जाके बेंगलोर और चेन्नई के लिए भी जाती है। और ये देखिए, ये आ रही है वाड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे LTT चेन्नई सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और इस ट्रेन में भी मैंने LTT से चेन्नई तक की पूरी जर्नी किया है। ये ट्रेन है ना, सीधा वाड़ी से सीधा आगे गुंतकल होते हुए चेन्नई जाएगी। सो फाइनली दोस्तों 334 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस दुरंतो के दूसरे शेड्यूल्ड हॉल्ट और अपनी इस जर्नी के इस रूट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन यानी महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन। इसके अलावा दोस्तों, सोलापुर महाराष्ट्र स्टेट का एक बहुत ही बड़ा शहर है, अपनी इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है तो रेलवेज़ की तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ और सुबह का टाइम है तो नाश्ता पी खाना भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा हम ट्रैवल कर रहे हैं प्रीमियम ट्रेन यानी दुरंतो एक्सप्रेस में, तो अब टाइम हो गया है हमारे भी नाश्ते का, लेकिन हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट चल रही है तो शेड्यूल सब ऊपर नीचे हो गया है, देखते हैं क्या होता है। Thank you.
दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7:30 और ये देखिए हमें मॉर्निंग टी जो है वो सर्व कर दी गई है। चाय है और एक पैकेट छोटा सा बिस्किट। और मैं ये बता रहा था कि जो नाश्ता है ना वो सिर्फ मुंबई LTT वालों को ही मिलेगा, पुणे जंक्शन वाले लोग को नाश्ता नहीं मिलेगा। उनको चाय मिली है लेकिन अभी बता रहे हैं कि उनको भी मिलेगा क्योंकि ट्रेन लेट है।
अभी वक्त हो रहा है सुबह के 9:30 और बाहर देखिए अब बारिश ज़बरदस्त स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों को सुबह का नाश्ता जो है वो सर्व कर दिया गया है। और ये नाश्ते के अंदर क्या है वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। दौंद जंक्शन का स्किप ले लेते हैं पहले। और हाँ, पुणे जंक्शन वाले जो लोग हैं उनको भी नाश्ता दिया गया है, लेकिन उनको सिर्फ क्या नाम है, चाय, ब्रेड और मस्का जैम वगैरह दिया गया है, प्रॉपर ऐसा नाश्ता नहीं। तो दोस्तों अभी हमने किया दौंद जंक्शन का स्किप और भाई साहब बारिश देखिए बाहर, क्या ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश हो रही है, मज़ा आ गया भाई देख के। और इसके अलावा दौंद जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है, एक पुणे वाली मेन लाइन जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं और एक लाइन यहाँ से कट के अहमदनगर होते हुए मनमाड़ जाती है। दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दौंद कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन। ये देखिए यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन है ना, दौंद जंक्शन का ही रेलवे स्टेशन है। जो ट्रेनें पुणे से दौंद जंक्शन ना होते हुए मनमाड़ की तरफ जाती हैं, जैसे हमारी गोवा एक्सप्रेस और ये जो भी ट्रेन है, ये सारी ट्रेन दौंद जंक्शन के ना जाते हुए यहीं से अलग होकर निकल जाती हैं। तो दोस्तों बाहर का आप मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है, ज़ोरों वाली बारिश। और उसी के बीच में हम करते हैं अब अपना नाश्ता, जिसमें हमें मिला है 2 ब्रेड, ऑमलेट, फ्रूटी, केचप और एक मस्का है। और इसका जो भी कॉस्ट है वो सब टिकट में ही इंक्लूड हो जाता है, इसका हमें अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 11 और हमें पुणे से सिर्फ 6 किलोमीटर पहले एक रेलवे स्टेशन है हदफसर, वहाँ पे रोका है, बहुत टाइम से रोका हुआ है, ऑलमोस्ट 25 मिनट हो चुका है। और देखिए जो पुणे वाले जो पैसेंजर्स हैं जिनका हदफसर से घर नज़दीक है वो सब यहीं से उतर के अपने घर की तरफ चल चुके हैं भाई, ट्रेन के भरोसे नहीं बैठ रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों हदफसर रेलवे स्टेशन पे ऑलमोस्ट 35 मिनट का अनशेड्यूल्ड ज़बरदस्ती का हॉल्ट देने के बाद हमें और हदफसर रेलवे स्टेशन से अब डिपार्चर मिला है। भाई ये प्रीमियम ट्रेन है, इसके साथ क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ही नसीब ख़राब है भाई।
लक्ष्य ध्यान सिकंदराबाद पुल लोकमान्य तिलक टर्मिनल लाजारानी 1-2-2-2-0 सिकंदराबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 सो फाइनली दोस्तों 597 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटा 50 मिनट यानी ऑलमोस्ट 4 घंटे की देरी से हमारी जो प्रीमियम सी ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस वो पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के तीसरे शेड्यूल्ड हॉल्ट यानी महाराष्ट्र के पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई साहब यहाँ हमारा पहुँचने का टाइम था सुबह 7:50 और हम पहुँचे हैं 11:40 पे। ये एक प्रीमियम ट्रेन है यार, दुरंतो एक्सप्रेस है। ये हदपसर रेलवे स्टेशन पे ऑलमोस्ट 40 मिनट का नॉन स्टॉप ज़बरदस्ती का हॉल्ट, कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों हमारी दुरंतो को ऐसा लथेड़ा जा रहा है। भाई वहाँ बीच में ट्रेन खड़ी थी और मैं ट्रेन में बैठा हुआ था तो बाहर बारिश हो रही थी, 2-3 ट्रेन जो है वो फटाफट ओवरटेक करके हमारी ट्रेन को निकल गई। वो जो ट्रेन थी जिसको हमने दौंद कॉर्ड लाइन पर ओवरटेक किया था वो भी हमें ओवरटेक करके निकल गई। तो दोस्तों ये था हमारी दुरंतो एक्सप्रेस का हाल। इसके अलावा पुणे जो है वो एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से 2 लाइन जाती है, एक सोलापुर पुणे वाली जिस पे हम आगे आए हैं और एक लाइन यहाँ से अलग होती है वो सतारा मीरज होते हुए हुबली की तरफ जाती है। इसके अलावा अब आगे आने वाला है ज़बरदस्त खूबसूरत सा भोरघाट। बारिश भी हो रही है तो अब भाई शायद उससे कुछ दिल खुश हो जाए।
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है दोपहर के एक और ऑलमोस्ट 664 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम पहुंच चुके हैं खंडाला रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारा कोई हॉल्ट नहीं है, लेकिन ब्रेक टेस्टिंग के लिए यहाँ हर ट्रेन रुकती है, जो नीचे जाती है और जो ऊपर आती है उनके पीछे आपको पता है बैंकर्स लगे होते हैं। जैसा कि आप ये अभी जो मालगाड़ी आ रही है देखते हुए, गुड्स ट्रेन जो आ रही है ये देखिए, ये अभी निकलेगी और इसके पीछे मैं भी आपको दिखाऊंगा ढेर सारे इंजन लगे होंगे, क्योंकि ये पहाड़ चढ़ रही है ये ट्रेन और हम उतर रहे हैं तो हमारा ब्रेक टेस्टिंग होएगा। ये देखिए, एक दो तीन, तीन तीन लोकोमोटिव लगे हैं, क्योंकि ये ट्रेन, ये धक्का मार रहे हैं ट्रेन को ऊपर चढ़ने के लिए, इसलिए इसमें इतने सारे लोकोमोटिव लगे हैं। भाई साहब बारिश ज़बरदस्त हो रही है, मज़ा आने वाली आगे।
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 3:15 और फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर हैं। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग अलग अब अपना रूट चेंज कर रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए। और वो जो लाइन आप सामने बहुत सारे ट्रैक्स देख रहे हैं ना, वो मेन लाइन है जो जाते हैं मुंबई CSMT के लिए। तो फाइनली दोस्तों, फाइनली 770 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 घंटा 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुंचे हैं। हमारी दुरंतो हमको पहुंचाई है अपने डेस्टिनेशन यानी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन। भाई साहब, जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त था। मौसम आपने देखा, ज़बरदस्त हुआ था और क्या ही ज़बरदस्त इसकी सारी चीज़ें थी। खाना पीना टाइम पे मिला और क्या नाम है, बस ये जो ट्रेन को थोड़ा प्रायोरिटी के मामले में इन लोगों ने पीछे छोड़े हैं, मतलब इतना लेट नहीं होती हमारी ट्रेन, सिर्फ 2 घंटा 20 मिनट की देरी से निकली थी और हम 4 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुँचे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी हर्ट कर रही है भाई। ड्रोन तो थी, प्रीमियम ट्रेन थी, तो इतना तो इसका लिहाज करना चाहिए था। उसके अलावा दोस्तों, क्या नाम है, आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। इस भोर घाट का जो ज़बरदस्त खूबसूरत सेक्शन गया है, वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैंने क्या छोड़ दिया, क्या रह गया, जो भी है आपके ओपिनियंस कॉमेंट करना ज़रूर। और ये देखिए दोस्तों, मुंबई की बारिश एकदम अपने पीक पे है, ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। खैर, मौसम है, बारिश तो होती रहेगी। हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।